Why gutters are made आई शेप्ड, मतलब क्रॉस सेक्शन जो इनका बनाया जाता है, क्रॉस सेक्शन बनाया जाता है आई शेप का, जो गर्डर है जिन्हें की नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं गार्टर। गार्टर रखवा लो भाई, गार्टर रखवा लो गार्टर पे। तो गार्टर या गर्डर जो है ये आई शेप क्यों बनाया जाता है, इससे पहले हम ये समझें जरा ध्यान से कि कोई भी एक बार है, एक बार है कोई, और ये दो अलग अलग सपोर्ट्स पर टिकी हुई है। जैसे मैंने ये एक बार बनाई और मैं इसको दो अलग अलग सपोर्ट्स पर यहां टिका दूं, एक सपोर्ट ये रही और दूसरी सपोर्ट ये रही, ठीक है, केवल किनारों से टिकी हुई सपोर्ट्स पर, राइट। अब हम यहां कोई लोड इस पर डालने लगे, मैं जैसे जैसे ये लोड डालता हूँ तो झुकने लगी ना, ये झुकने लगी इसका, हैं, डिप्रेशन आने लगा इसके अंदर। मैं तो अभी हाथ से डाल रहा हूँ लोड, अगर मैं यहाँ कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख दूँ तो उसके लोड के कारण, भार के कारण, मतलब वेट के कारण ये नीचे की तरफ दब जाएगा, ये करेक्ट। तो ये जो नीचे की तरफ दबता है डिप्रेशन, इसे हम बोलते हैं क्या, डिप्रेशन बोलते हैं इसे हम। ये लोड है, ये दोनों तरफ हमने लगा दिए सपोर्ट और इस सपोर्ट के ऊपर रख दी एक रॉड, इस सपोर्ट के ऊपर रख दी एक रॉड या कोई भी पट्टी, कुछ भी समझ लो आप इसे, ठीक है। और इसके ऊपर लोड डालने लगे तो लोड डालने से क्या होगा, लोड डालने से इसकी पोजीशन झुक जाएगी, ये बीच में से नीचे की तरफ दब गई, ये नीचे की तरफ दब गई लोड डालने के कारण। इस पर मैंने डाला ये क्या, लोड। लोड का मतलब सिंपली एमजी, वेट कोई लटका दो इसके ऊपर, तो कितना, जितना ये नीचे झुक गया, ये डेल्टा, डेल्टा इसको कहा जाएगा क्या, डिप्रेशन। क्या कहेंगे इसे, डिप्रेशन कहेंगे। ये जो डेल्टा डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4bd³। डब्ल्यू क्या है इसके अंदर, डब्ल्यू तो है वेट ऑफ लोड, यानी के कैपिटल एम जी। एल क्या चीज है यहाँ, एल है आपकी लेंथ ऑफ बार, जो भी बार है आपकी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ ऑफ बार, ठीक है। बी क्या चीज है, बी है आपकी ब्रेथ ऑफ बार, और डी क्या चीज है, डी है आपकी थिकनेस, ऊंचाई। समझो ध्यान से आप, जैसे कि ये मेरे पास बार है, ठीक है, तो बार में इसकी जो लेंथ है एल, ये रही, और ये जो बी है ये इसकी चौड़ाई है, बी क्या है इसकी चौड़ाई, और ये डी क्या है, डी है ये वाली ऊंचाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में क्या फर्क है, ये चौड़ाई है। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ये मेरे पास मैग्नेट है, चौड़ाई है इसकी, ये ऊंचाई कम है, ये मेरे पास पेन है, तो इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ कितनी है, ये ब्रेथ तो इसकी कुछ भी नहीं है लेकिन चौड़ाई काफी ज्यादा है, समझ रहे हो बात को। ये जो बी है, बी बी तो ये वाली है, कौन सी है बी, ये तो बी है, और यहां जो डी है ये डेप्थ है इसकी, ये वाली डी है,
ये है, तो बी कौन सी है, बी ये वाली है बी, और डी है ये वाली पूरी, ये डी है, समझ, ये बी है इसकी विड्थ मैं जिसे बोल रहा हूँ, चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा, जितनी दूर दूर लगे हुए होंगे आपके ये सपोर्ट उतनी ही ज़्यादा लेंथ होगी। आपने कभी घर में सुना भी होगा कि गाटर डलवाना है, मिस्त्री आके कहता है जी ये तो 20 फुट का गाटर है, ये ना रुकने का, इतना जो इतना लंबा गाटर थोड़ी रुका करे, बैठ जाएगा नीचे को ये। तो उसे मिस्त्री को पहले ही पता है कि भाई ये लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा लेंथ होगी तो छत का वजन, छत के वजन से डिप्रेशन में आ जाएगा, नीचे झुक जाएगा, बीच में लचक खा जाएगा, लचका खा जाएगा। तो जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा इसके झुकने के चांस होंगे, क्योंकि यहाँ ये डिप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ ना सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ टू द पावर क्यूब है। ज्यादा लंबा हो गया टूट जाएगा, वो इसीलिए तो टूट जाएगा क्योंकि इसका जो झुकाव है, ये डिप्रेशन कौन सा वाला डिप्रेशन, ये डिप्रेशन, ये झुकाव जो इसका जा रहा है अंदर की तरफ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर लेंथ आपकी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो टूट भी जाएगा, हो सकता है झुक के रह जाए, हो सकता है टूट जाए यहाँ से, ठीक है। वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लोड आप इसके ऊपर डालेंगे उतनी ज्यादा झुकेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रेथ, ब्रेथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये वाली ब्रेथ जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही कम डिप्रेशन जाएगा इसके अंदर, करेक्ट। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये जो डेप्थ है इसकी, डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डेप्थ के कौन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेप्थ के तो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। मतलब ये है कि अगर ब्रेथ आपने दुगनी करी तो डिप्रेशन आधा रह गया, लेकिन अगर आपने डेप्थ दुगनी कर दी तो डिप्रेशन कितना रह जाएगा, 1/8 रह जाएगा, क्योंकि 2 × 4 × 8, समझ रहे हो बात को। अब सपोज मेरे पास ये है, मेरे पास ये बार है, और मैंने देखा कभी काम नहीं चल रहा, इससे तो काम नहीं चलेगा, या तो इसकी चौड़ाई बढ़ाओ या इसकी ऊंचाई बढ़ाओ। अब चौड़ाई या ऊंचाई बढ़ाने का सीधा मतलब है ज्यादा लोहा लगाना पड़ेगा, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज्यादा पैसे खर्च करने, ज्यादा ठीक लेना पड़ेगा हमें, भारी भारी लेना पड़ेगा। तो भारी लेने से क्या होगा, अगर मैंने सपोज इसको दुगना कर दिया, सपोज यहाँ दुगना कर दिया, क्या चीज, इसकी विड्थ दुगनी कर दी, तो ये जितना मेरा इसमें लोहा लगा हुआ था, दुगना लोहा लग गया ना, दुगना ही लग जाएगा पूरा का पूरा। जब एक चीज दुगनी हो जाएगी तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम डबल होगा तो मास भी दुगना हो जाएगा, मुझे दुगने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब मैंने इसकी विड्थ इसकी दुगनी कर दी, ये वाली बी दुगनी कर दी, तो डिप्रेशन आधा रह गया, ठीक है। फिर मेरा दोस्त था इंजीनियर, कहने लगा रे तूने क्या बकवास काम कर रखा है, तो गलत कर दिया तूने, जब तुझे इतने पैसे खर्च करने थे तो इसकी डेप्थ बढ़ाता, तूने विड्थ क्यों बढ़ाई है, डेप्थ बढ़ाता इसकी, देख डेप्थ बढ़ाने पर क्या होगा कि दुगनी डेप्थ करके कितना रह जाएगा डिप्रेशन, 1/8 रह जाएगा। जब पैसे खर्च करने हैं तो इसकी विड्थ बढ़ाओगे, विड्थ डबल करोगे तो क्या होगा, डिप्रेशन आधा होगा। लेकिन अगर इसकी के उतने ही पैसे खर्च करके, उतना ही लोहा एक्स्ट्रा लगाकर अगर ये डेप्थ बढ़ा दी होती तो डिप्रेशन कितना रह जाता, 1/8 रह जाता। तो जब हम मटेरियल खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या चीज बढ़ाना फायदेमंद है, ब्रेथ या डेप्थ, डेप्थ बढ़ाना फायदेमंद है, सीधी सी बात है। ये आपका इसके लिए इसको ऐसे मोड़ देना आसान है, लेकिन अगर मैं इसे खड़ा करके यहाँ पर मोड़ने लगूँ ऐसे करके, तो इसका बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने इसकी विड्थ तो कम कर दी लेकिन डेप्थ इसकी ज्यादा कर दी, इसको तो मोड़ना नामुमकिन सी बात है ऐसे मोड़ना। लेकिन यहाँ जबकि मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी और डेप्थ इसकी क्या कर दी, कम कर दी, तो इसको मोड़ना बड़ा आसान है, समझ रहे हो। तो इसलिए उसने कहा कि भाई ये इसकी विड्थ ना बढ़ाओ, विड्थ ना बढ़ाओ इसकी, बल्कि क्या बढ़ाओ, इसकी डेप्थ बढ़ाओ, उतने ही पैसे, उतने ही लोहा एक्स्ट्रा लगा के डेप्थ बढ़ा दो, ठीक है। मैंने बढ़ा दी,
मतलब ये जो मेरा बार था उसको मैंने शेप करा कर दिया। लेकिन अब समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि जरा सा अगर बिल्कुल इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड लोड है इसके ऊपर, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जरा सा लोड ऐसे हो गया, साइडवेज हो गया, तो क्या होगा, या तो ये ऐसे घूम जाएगा या ऐसे घूम जाएगा। अगर जरा सा भी लोड कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल आ गया कहीं से कोई फोर्स, तो तुरंत ये घूम जाएगा। इस घूमने को बोलते हैं बकलिंग। क्या बोलते हैं? बकलिंग। बकलिंग आ जाएगी इसके अंदर, ऐसे बकलिंग आ जाएगी। तो अब क्या करें भाई, अब बकलिंग आने के लिए तो फिर इसे बढ़ाना पड़ेगा। बकलिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बकलिंग तभी रोकेगी जब आप इसकी विड्थ क्या करोगे, विड्थ भी बढ़ाओगे। तो इसका मतलब डेप्थ भी बढ़ाओ और विड्थ भी बढ़ाओ, तो फिर तो और भी ज्यादा पैसे खर्च होंगे, है ना। डेप्थ भी दुगनी करनी, विड्थ भी दुगनी करनी, तो और ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो उसने कहा, मेरे दोस्त ने, इंजीनियर ने, कि देख देख ये ऐसा है, डेप्थ तो बढ़ा दी इसकी, अब तुझे चिंता हो रही कि साइडवेज ना घूम जा, साइडवेज में ना घूम जा, तो एक काम कर, ऊपर ऊपर कॉलर बना दे, एक कॉलर नीचे बना दे इसके, जो इसे, क्योंकि लोड जो हमारा क्या है, लोड तो सारा वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये तो हम सिर्फ फ्यूचर में लेके तो चलने के, साइड में बकलिंग ना हो पाए, इस पर तो साइडवेज तो लोड है ही नहीं। तो क्या कर, ऊपर भी हल्का सा एक कॉलर बना दे और नीचे भी हल्का सा कॉलर बना दे, तो फिर क्या होगा, ये साइडवेज घूमने से बच जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के क्या हुआ कि मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, डेप्थ बढ़ा दी इसकी, विड्थ नहीं बढ़ाई बल्कि क्या बढ़ा दी, डेप्थ बढ़ा दी। लेकिन डेप्थ बढ़ाने पर जो ये बार बची, ये साइडवेज घूमने के लिए फ्री थी, घूमने के चांस थे। तो क्या करा, ऊपर एक कॉलर बना दिया, ये कॉलर ऊपर बना दिया, और एक कॉलर क्या बना दिया, एक कॉलर नीचे बना दिया, ताकि ये साइड में ना घूम पाए। थोड़ा सा यहां से ऐसे कर देते हैं, कोने इसके थोड़े गोल बना देते हैं, ताकि पूरा सपोर्ट बना रहे इसके ऊपर, बकलिंग का कोई चांस ही ना बने। तो अब कुल मिलाकर के इसकी जो शेप बनती है, कैसी शेप बन जाती है, आई शेप इसकी बन जाती है। ये शेप होती है आपके गर्डर की। इसमें भी एक साइड थोड़ी छोटी रखी जाती है और एक साइड थोड़ी सी बड़ी, या दोनों साइड बराबर भी रखी जा सकती हैं। जहां छत होती है, जहां छत का लोड ज्यादा है, उस साइड को थोड़ा सा क्या करते हैं, उस साइड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अब इससे ये डेप्थ इसकी बढ़ गई, ढेर सारी डेप्थ हो गई। और ये क्या है इसकी, ये ब्रेड्थ है। तो हमने एक्चुअली क्या करा, एक्चुअली तो हमें इतना बड़ा बनाना था, ये इतना पूरा ठोस बनाना था, लेकिन हमें डेप्थ कम नहीं करनी, थोड़ी सी विड्थ इसकी कम कर दी, ऊपर ऊपर कॉलर छोड़ दिए, बीच का मटेरियल हमने हटा दिया, और अब ये कुल मिलाकर क्या बन गई है, ये आपका गर्डर बन गया। किस शेप का गर्डर बन गया, जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, आई शेप। आई शेप इसलिए क्योंकि डेप्थ बढ़ाने से ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग ब्रेथ। ब्रेथ बढ़ाने से भी डिप्रेशन कम होगा, लेकिन डेप्थ बढ़ाने से डिप्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए डेप्थ बढ़ाई, लेकिन साइडवेज बकलिंग रोकने के लिए, बैंड रोकने के लिए, मुड़े ना इसे रोकने के लिए क्या कर दिए, ऊपर नीचे कॉलर बना दिए। तो कुल मिलाकर इसकी जो क्रॉस सेक्शनल शेप है, वो आई के शेप की बन गई। ठीक है।